नमस्कार मित्रों, मैं रिकी रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन मेडिटेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और यदि आपके मेडिटेशन के ऊपर कुछ और भी अनुभव हो या आपके कुछ सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं ध्यान से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित, तो आप कमेंट करें, मैं जरूर उनके जवाब दूंगा। तो मेडिटेशन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेडिटेशन से क्या नुकसान होते हैं, वो हम आज बात करेंगे। तो मेडिटेशन वैसे तो नॉर्मली 90% से 95% तक लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे कोई इतनी गहराई से मेडिटेशन नहीं करता कि वो बहुत गहराई तक, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाए। नॉर्मली लोग मेडिटेशन जो करते हैं वो 10-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा मन की हट जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और भी मन में जो डर, घबराहट इत्यादि इस प्रकार के नकारात्मक, या हर काम को करने से पहले ही मन का नेगेटिव हो जाना, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है नॉर्मली। लेकिन एक प्रकार के इस तरह के लोग भी होते हैं कि जिनको कभी भी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको स्पष्ट पता होता है कि उनके ऊपर कुछ सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जिनको हम कहें कि भूत प्रेत इत्यादि, जिनको क्लियर हो कि हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत इत्यादि की समस्याएं हैं, या मेडिटेशन करने के बाद उनको लाभ की बजाय नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने से पहले किसी खास ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क, ऐसे गुरु के साथ संपर्क में होना चाहिए जो इसका पूरा मास्टर हो, जो आपको किसी भी स्थिति से निकालने में सक्षम हो। तो मेडिटेशन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? नॉर्मली तो मैं आपको बताया जैसे कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसके कुछ इफेक्ट जरूर होते हैं जिसको लोग बहुत गहराई से ये समझ लेते हैं कि उनको उनके बहुत नुकसान हो रहे हैं। एक मुझे मैसेज आया आज कि मेडिटेशन को गलत तरीके से करने के कारण मैं मेंटल हो गया। अब वो व्यक्ति मेंटल नहीं हुआ, लेकिन यदि मेंटल हो जाता तो मुझे इस प्रकार नहीं बता सकता था। उसके शरीर के भीतर कुछ ऐसी क्रियाएं हुई कि उसके कारण वो इतने डर घबराहट के ऊपर उसका ध्यान एकाग्र हो गया कि वो हर टाइम उसके अंदर, जहां पे हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है पूरी गहराई से, नॉर्मली यदि आप करना चाहें ध्यान को एक चीज के ऊपर एकाग्र तो नहीं कर पाएंगे। यदि आपके अंदर डर है और वो डर थोड़ा सा सक्रिय हो जाए तो आपका ध्यान अपने आप ही वहां पे जाएगा, अपने आप ही जाएगा, आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। वो बार बार आप हटाएंगे वो हटेगा नहीं, आपका ध्यान फिर वापस जाएगा। वो क्या ऐसी चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज, जब कोई ध्यान करता है तो धीरे धीरे सारे चक्र खुलने लगते हैं, शरीर में गर्मी आने लगती है, कईयों का शरीर हर टाइम गर्म रहने लग जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। पूरी भरपूर सर्दी में भी, दिसंबर जनवरी में भी शरीर ऐसे तपेगा जैसे 104 बुखार है, तो वो लोग डर घबरा जाते हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये सुपर पॉजिटिव इफेक्ट है। आपकी ऊर्जा, जिसको हम कुंडली ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो संसार की नीचे की ओर बह रही थी वो ऊपर की ओर बहने लग गई, वो परमात्मा की तरफ, राम की तरफ यात्रा करने लग गई, वो सहस्रार की तरफ बढ़ने लगी, इसलिए वो पूरे शरीर में अब छा रही है, नहीं तो वो विकारों में जा रही थी नीचे, तो आपको पता नहीं चल रहा था। जीवन स्वाभाविकता, इससे लोग घबरा जाते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, शरीर में झटके बहुत लगने लग जाते हैं, आप बैठे हैं तो झटके बड़े जोर जोर के लगते हैं। मैंने खुद महसूस किया, जब मैं आज से लगभग कोई 27-28 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, इतने ही लगभग 27-28 साल हो गए, तो जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की थी तो मेडिटेशन मैं बहुत जम के करता था, यानी कि एक बार बैठ गया फिर घंटों घंटों चल ही रहा है, 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू चल रहा है, उससे बड़ी तेजी से ऊर्जा उठने लग गई मेरी, और कम जितनी उम्र होती है उतनी तीव्रता से ऊर्जा उठती है। उस समय पे ना कोई इंटरनेट था, ना कोई ऐसा कोई आदमी मिलता था जो गाइड कर सके, तो मैंने बहुत बार महसूस किया मैं ऐसे कुर्सी पर जैसे ही कहीं बैठा और ऐसे आंखें भी बंद कर ली तो एक आधे मिनट के अंदर कई बार मेरा शरीर बैठा बैठा 2-2 फुट ऊपर उछल जाता था, इतनी जोर से झटका लगता था। कम से कम अगर कहूं तो 200 वॉट की जैसे बॉडी में किसी ने ऊर्जा प्रवाहित कर दी।
अब मैं उससे, क्योंकि कोई टीच करने वाला नहीं था, समझाने वाला कोई गुरु नहीं था, तो मैं घबराने लग गया कि ये क्या गड़बड़ी हुई। फिर प्रार्थना की, फिर थोड़ा रास्ता भी मिल गया, पता चल गया कि ये साधारण बात है, होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा जो लगातार नेत्रों से, विचारों से इधर उधर प्रवाहित हो रही है, तो मेडिटेशन करने से विचार कम हो जाते हैं, वो ऊर्जा बच गई, वो इकट्ठी होने लग गई। और कई लोगों को ऐसा भी होता है, जब वो इकट्ठी हो जाती है तो एक जैसे ही आंखें भी आपने बंद कर ली तो क्या होगा, जो आंखों से बह रही थी ऊर्जा, लगभग 80% ऊर्जा हमारी आंखों से ही बहती है, आंखें भी बंद हो गई, तत्काल शरीर में वो ऊर्जा इकट्ठी हो गई, वो शरीर में इतनी जोर से करंट मारती है, आप 1-2 फुट ऊपर तक उछल जाते हैं। ये साधारण चीज है, पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। कुछ लोगों को साथ में ऐसा जरूर होता है जिसको हम नाइट साइड इफेक्ट एक कह सकते हैं, वो ये होता है कि जब कोई मेडिटेशन करता है तो सारे चक्रों की ऊर्जा खुलने लगती है और कुंडलनी ऊर्जा इकट्ठी होकर हृदय चक्र या किसी दूसरे चक्र के ऊपर ही रुक गई, वहां पे कोई ब्लॉकेज आ गई या कुछ आ गया, उसके कारण वहां पे अत्यधिक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। तो वहां पे किसी भी पार्ट में, जहां जहां हमारे चक्र हैं, वहां पे दर्द, पेन शुरू हो जाता है, तेज पेन होने लगेगा, बड़ा तीव्र तीखा पेन होने लगेगा, तो लोग उससे घबराने लग जाते हैं। जैसे ही मेडिटेशन में बैठे, तत्काल जहां जहां पे भी चक्र हैं, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, हृदय चक्र, वहां पे ब्लॉकेज के कारण पेन होने लगता है। ये अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन पता ना होने के कारण लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे जरूर होता है, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं जब, तो ऊर्जा इकट्ठी होती है, उस ऊर्जा का पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, और वो ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसे हो जाती है जैसे आपके सर के ऊपर किसी ने 50 क्विंटल का वजन रख दिया है, तो वो शरीर में, मन में नीरसता पैदा करती है, नीरसता, बहुत बोझिलता महसूस होने लगती है, मन उदास होने लग जाता है, क्योंकि ऊर्जा फ्लो नहीं हो रही। ऊर्जा एक तरफ से उठी तो ऊर्जा का स्वभाव है गति करना, हम जीवित मनुष्य हैं सभी, तो सबके ऊर्जा अंदर ऊर्जा गति करती है, तो यदि ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है एक ही जगह और आपका, आपको उसका सकारात्मक तरीके से उपयोग करना नहीं आता, तो आप चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियों के शिकार अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी भी समस्या आती है, मान लो आपके कहीं सर में पेन होने लग गया, उधर आपको मनचाही गाड़ी आपको मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आपके मन के अनुसार हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सर दर्द के ऊपर, जहां दर्द इकट्ठा है। तो ऐसे ही जब किसी के साथ ऐसी कोई छोटी मोटी घटना भी होने लगती है, तो बाकी चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उसका ध्यान अपने आप बार 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 वहीं पे इकट्ठा होकर चला जाता है। इस कारण लोग अपने आप को समस्या में महसूस करते हैं। तो सबसे सेफ क्या चीज होती है, मैंने इससे बहुत लोगों को इस तरह से गाइड किया है, सबसे सेफ चीज है रेकी मेडिटेशन। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना आपको, केवल रेकी का आह्वान करना है, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, इतना ही काम करें, और रोज यदि 1 घंटा कर सकते हैं तो 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आपकी तत्क्षण सारे चक्र शुद्ध होने लगेंगे। जब ऊर्जा शरीर में बहने लगेगी तो रुके हुए जो चक्र हैं, जहां पे ब्लॉकेज आई है, बीमारियां हैं, नेगेटिविटी है, वो सारी दूर होने लगेगी, चक्र खुल जाएंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से ही अपने आप बैठे बैठे बस आवाहन करते करते, यहां पे हाथ थक जाए तो ऐसे आवाहन करें, दूसरी वीडियोस में मैंने बताया है। ये करने के बाद जो आपके अंदर ध्यान पैदा होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सेफ होगा। जब कोई सीधा सीधा मेडिटेशन करता है और साथ में कोई गुरु नहीं है, तो सकारात्मक चीजों से भी लोग डर जाते हैं, कईयों की कुंडलनी भी फंस जाती है। मैंने एक देखा, एक बहुत बड़े गुरु हैं आध्यात्मिक जगत के, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सकारात्मक ऊर्जा के मालिक हैं, वो कोई साधारण चीज नहीं है। उन्होंने जहां जहां भी अपने उस डेरे को खोला है तो वहां पे लोगों के शराब, तमाकू इत्यादि हर प्रकार के उन्होंने ये चीजें बंद करवाई हैं, बहुत सकारात्मक काम किया है। उनके पास मैंने देखा एक शिष्य आया, एक दिन वीडियो में देख रहा था, तो उसकी क्या थी प्रॉब्लम, उसकी कुंडलनी आके मणिपुर पे रुक गई थी, इस कारण हर समय उसका शरीर ऐसे कंपन करता रहता था। उसने अपने गुरु को कहा कि बहुत वर्ष हो गए गुरु जी, मेरे तो यही का यही हाल है, मैं क्या करूं। लेकिन उस समय पे मैंने देखा कि उन्होंने, गुरु जी ने मदद नहीं की, वो चाहते तो मदद कर सकते थे, लेकिन वो कुछ ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं
कि वो बिल्कुल परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं और व्यक्ति को अपने कर्म खुद ही भुगतने के लिए छोड़ देते हैं कि हम देख रहे हैं तुम अभी करते रहो। उसकी कुंडलनी की ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर फंसी हुई थी। यदि ऐसे किसी को फंस जाए तो भी रेकी करने से वो कुंडलनी की ब्लॉकेज खुल जाएगी, अपने आप खुल जाती है। तो इसके अलावा आपके जो और प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।